हमें चंद्रगुप्त मौर्य के सेट पर मेरे साथ एक चाणक्य साहब और शिक्षक का सम्मान किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम किया जाता है। शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो भी सबको प्रणाम करे, क्योंकि शिक्षक सबको सबका सम्मान करना सिखाता है। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी हमारे शो को सम्मान पूर्वक देखें। बिल्कुल, वैसे जो चाणक्य साहब हैं, इन्होंने खुद ने अपने बालों का दान किया है और फिर ये रूप धरा है, क्या है, मैं गलत हूँ? जी बिल्कुल गलत नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। चाणक्य मेरे जीवन का सबसे फेवरेट किरदार है, तो इसके लिए बाल क्या, मुझे अगर एक आध उंगली भी काट कर देनी पड़ती मैं वो भी। उंगली काटने वाले जो हैं वो एकलव्य साहब हैं, ये अलग एकलव्य साहब हो सकते हैं, लेकिन आपको चाणक्य की कोई एक नीति जो रियल लाइफ में पसंद आई हो? चाणक्य की कोई एक नीति कभी पसंद आई नहीं सकती, ऑनेस्टली। चाणक्य नीति, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि चाणक्य एक सोच है, चाणक्य एक व्यक्ति नहीं है, वो सोच है, और वो सोच आज से नहीं है, 2000 साल से। अगर हम भारतीय सिर्फ उस सोच का कुछ कण भी ले लें तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। चाणक्य की जो आपने कहा कि सबसे बड़ी उसकी क्या शिक्षा मैं लेता हूँ, चाणक्य की जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो ये है कि सबसे पहले देश आता है। हम सबको सबसे पहले अपने देश को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं और हम ही देश हैं, तो हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा चाणक्य साहब, अब चूँकि आप ये रोल निभा रहे हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लिखने और देखने सुनने में आई होंगी, आप ऐसी कोई चीज़ जो चेंज करना चाहें देश के बारे में? देश के बारे में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज करना चाहूँगा। अगर मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भारत की पॉपुलेशन को 1/3 कर देता। आप सोचिए, अगर हम 130 करोड़ से 35 करोड़ लोग या 40 करोड़ लोग हो जाएं, तो आप सोचिए कि हमारे पास में कितना खनिज है, कितने सारे मिनरल्स हैं, कितना वेल्थ है हमारी कंट्री में, वो सब लोगों को सही से वो पानी, वो खाना सब मिल पाएगा, बच्चों को पढ़ाई मिल पाएगी। रोड पे मैं जब बॉम्बे में घूम रहा होता हूँ तो कितने बच्चे सड़क पर सो रहे होते हैं, कुछ सिग्नल पे भी मांग रहे होते हैं, इसे अच्छा लगता है। तरुण, वैसे बहुत सारे रोल्स किए हैं, इस रोल की एक ऐसी खासियत जिसकी वजह से आपने ये रोल किया? चाणक्य करने को मिल रहा है। जब से मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ना सीखा है, मैंने जो पहली किताब पढ़ी थी जब थोड़ा जवान हो गया, समझ आने लग गया था, वो चाणक्य नीति थी। तो चाणक्य नीति जी, तो अगर ये लोग मुझे नहीं देते ये रोल तो शायद लड़के लेना पड़ता मुझे। तो चलिए, चाणक्य नीति की नई नीति ये लेकर आने वाले हैं, दुनिया के सारे दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप सबको मैं बहुत बहुत मीठा सा धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको दिवाली तो निकल गई है, नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और कहता हूँ कि ये शो ज़रूर देखिए, बड़े दिल से, बड़े प्यार से बना रहे हैं।